हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 4, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज आप सब ने खाई होगी, ओके। आप इसका यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं। सो पढ़ते हैं हम, स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन्स ग्रो आर प्लम्प एंड जूसी फाइन बट स्वीटर फॉर एज वाइज मैन नो स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन। दैट मीन्स कि जो स्ट्रॉबेरीज, यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहता है द स्ट्रॉबेरीज दैट द ग्रो इन द गार्डन एंड फॉर्म्स आर वेरी प्लम्प दैट इज़ फैट एंड जूसी। जो ये कैसा होता है, जो गार्डन में जो जो खेती होती है, जो फार्मर इसे उगाते हैं, तो ये कैसी होती है, प्लम्प, मतलब बहुत मोटी और बहुत जूसी होती है, ओके। मीन्स ही फाइंड्स द टेस्ट ऑफ द स्ट्रॉबेरीज फाइन, मीन्स दे आर ओके इन टेस्ट, नॉट सो ग्रेट, मतलब कि अच्छा है जो खेती होती है उनकी, वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, प्लम्पी होते हैं, जूसी होते हैं, टेस्ट में ठीक ठाक होते हैं, बट ग्रेट नहीं होते, बहुत अच्छे नहीं होते, ओके। बट द पोएट से दैट ऑल दीज वाइज मैन, मतलब कि यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो वाइज मैन होते हैं, मीन्स कि जो नॉलेजबल पर्सन होते हैं, हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, नो दैट द स्ट्रॉबेरीज दैट ग्रो वाइल्ड इन द वुडलैंड आर मच बेटर। तो जो बुद्धिमान पर्सन होते हैं उन्हें पता है कि जो वुडलैंड में होते हैं, जो मतलब कि फॉरेस्ट में होते हैं स्ट्रॉबेरीज, वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती हैं, बढ़िया मतलब कि बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसका मतलब ये है कि जो खेती होती है, हमें पता है कि जो फार्मर हैं वो उसमें थोड़ा दवाइयाँ वगैरह भी डालते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मोटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा रसीली हो, ज़्यादा से ज़्यादा जूसी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उगे। लेकिन जो जंगल में होती हैं, जो हम कह सकते हैं फॉरेस्ट में, वुडलैंड में होती हैं, वो कैसे, वुडलैंड मीन्स की फॉरेस्ट, ओके। तो जो फॉरेस्ट में होती हैं वो कैसे खुद से होती हैं, नेचुरली ग्रो करती हैं वो, इसके लिए क्या होती हैं, वो बहुत ही मीठी होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं खाने में, रेदर देन यहाँ पे जो गार्डन में उगाई जाती हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ कहाँ की होती हैं, जो वुडलैंड वाइन, जो जंगलों में जो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं वाइन पे, जो मतलब पेड़ के ऊपर जो रहती हैं, ओके। नो नीड फॉर बाउल और सिल्वर स्पून, शुगर और स्पाइस और क्रीम। यहाँ पे जो वुडलैंड की जो हम बात कर रहे हैं, वुडलैंड वाली जो स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई बाउल की ज़रूरत नहीं है। सिल्वर स्पून का मतलब कोई फैंसी स्पून, मतलब बहुत अच्छी स्पून दिखावट के लिए, या चांदी की चम्मच की ज़रूरत नहीं है। शुगर और स्पाइस और क्रीम, यहाँ पे हमें शुगर, मतलब कि इतनी मीठी होती है कि शुगर की ज़रूरत ही नहीं, कुछ कोई स्पाइस नहीं चाहिए, कोई क्रीम नहीं चाहिए इसके लिए, वो वैसे ही बहुत मीठी होती हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। हैज़ द वाइल्ड बेरी प्लग्ड इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम। जो यहाँ पे बोल रहा है कि पोएट बोल रहा है कि जो यहाँ पे धीरे धीरे, मतलब कि जो उगती हैं स्ट्रीम के, मतलब कि जो नदियाँ हैं वहाँ पे, जो पेड़ हैं इसके स्ट्रॉबेरी के, जब वो यहाँ पे होती हैं स्ट्रॉबेरीज, तो ये जून के टाइम में, तो इसे जब तोड़ के वैसे ही आप खा लो, प्लक्ड मीन्स तोड़ के वैसे ही खा लो इसको, बेरी मीन्स वही स्ट्रॉबेरी, इसे आप वैसे ही खा लो, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। यहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की, एक्स्ट्रा एडिशन की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, ना ही बाउल की, ना स्पून की, बस उसे आप उसे वॉश करो वहीं नदी के पास में, झरने के पास में, और उसे यूं ही खा लो, जैसा कि आप यहाँ पे दे रहे हैं लड़की खा रही है, कोई ना बाउल ली है, ना स्पून ली है, ना कोई यहाँ पे शुगर मिक्स की है, ना ही कुछ क्रीम यहाँ पे ऐड की है, बस वैसे ही खा ली, क्योंकि इतना मीठा, इतना फ्रेश रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी एडिशन नहीं होता, मतलब कि जो डालते हैं ना फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं यहाँ पे फार्मिंग के लिए अलग अलग, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये नेचुरली ग्रो करता है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हमें पता है ऑर्गेनिक खेती जो होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत ही अच्छे उसके फसल होते हैं, बहुत ही अच्छे उसके फ्रूट्स होते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं, और बहुत ही, ये कह सकते हैं बहुत ही बेनिफिट होते हैं हमारे लिए, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना अगर आपको कोई दिक्कत हो। मैं आपको बता दूँ, वॉइस मीन्स बुद्धिमान होते हैं, जूसी मतलब रसदार, प्लम्प मीन्स मोटी गोल मटोल, गार्डन्स मीन्स आपको पता है, वुडलैंड मीन्स फॉरेस्ट जंगल, स्प्रिंग मीन्स क्या होता है कि निकलते हैं, जो ग्रो करते हैं, ओके। और ट्रिकलिंग मीन्स होता है कि फ्लोइंग स्लोली, धीरे धीरे जो बहती रहती है स्ट्रीम, जो धाराएं, नदी की धाराएं या फिर झरने वगैरह होते हैं उसके पास में, जो स्ट्रॉबेरी उगती हैं बहुत अच्छी है। प्लग्ड मीन्स तोड़ना, ओके। स्पाइस मीन्स मसालेदार, क्रीम मतलब आपको पता है, शुगर मीन्स आपको पता है, बाउल मीन्स जो कटोरा होता है ना वो, जिसमें आप खाना खाते हैं, सिल्वर स्पून मीन्स की कोई फैंसी
चांदी की चम्मच की ज़रूरत नहीं, कोई फैंसी स्पून, कांटे की चम्मच, फोक की ज़रूरत या फिर नाइफ़ की ज़रूरत, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप वैसे ही तोड़ो और वैसे ही खा लो, बहुत ही बढ़िया लगेंगे आपको। वाइल्ड मीन्स जंगली होते हैं, हैज़ द वाइल्ड बेरी। ओके, आई होप कि आप समझ में आया होगा, और आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। ओके।